वाह जो एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनका, ये है कि वो चोरी की वारदात करते रहते हैं, खासकर जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं तो उनका जो खर्चा है वो पूरा नहीं होता, फिर वहाँ से किसी की चैन स्नैच की, किसी की चोरी की। तो यही वारदात जो पिछले हफ्ते हुई थी, दो वारदात हुई थी, एक तो चैन स्नैचिंग की थी और दूसरा एक बुजुर्ग महिला थी उसके कानों की बालियाँ छीनी थी। तो हमने, मेरी जो हदायत थी SHO और DSP हेडक्वार्टर को कि आप ये जल्द जल्द ही इनको पकड़ें, और हमने अगले ही दिन जो सस्पेक्ट यहाँ के लोग थे जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनको हमने पकड़ा, 10-12 लोगों को पकड़ा। जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई तो उनमें दो जो लड़के हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने माना भी ये चीज़, ये वारदात तो उनने अंजाम दी थी। और हमने वो चीज़ें बाली और जो चेन स्नेच की थी वो भी हमने रिकवर कर दी, और जो यहाँ के जो सुनारे हैं जिन्होंने उन बच्चों से वो चीज़ खरीदी हुई थी उनको भी हमने पकड़ा है, वो भी अरेस्ट किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो हमने बरामद कर दी हैं, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी गोल्ड स्मिथ सुनारों की दुकान है उनको मैं ये मेरी एडवाइस है कि वो जब भी कोई उनके पास बगैर बिल के या उनकी आइडेंटिफिकेशन के बगैर कोई ऐसा सामान लेके आते हैं, सोने की चीज़ लेके आते हैं या और कोई कीमती वस्तु लेके आते हैं, तो कम से कम पहले उसका कोई आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड है या कोई उनका आइडेंटिटी कार्ड रखें, पहचान पत्र रखें कि फलाने आदमी ने हमें ये चीज़ बेची हुई है,